आप सभी विद्वजनों को सादर प्रणाम करता हूँ। चार पंक्तियाँ संचालक और संयोजक महोदय जी के लिए, चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। तुमसे है सुगंध जीवन में, तुम ही मन का चंदन हो। तुमसे ही है साज सजावट, तुम ही पूजन वंदन हो। और छू करके मन की चौखट को तुम पावन कर देते हो। हम तो MiG-21 जैसे, तुम चालक अभिनंदन हो। हम तो MiG-21 जैसे, तुम चालक अभिनंदन हो। और अभी माहौल पूरे देश में कोरोना का और लॉकडाउन का चल रहा है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कहा है, मुसीबतों का सामना हंसकर करें, मुस्कुरा कर करें। चार चार पंक्तियां प्रस्तुत करता हूँ। लॉकडाउन के साइड इफेक्ट देखिएगा। नवविवाहिता जोड़ों पर लॉकडाउन का पहला साइड इफेक्ट, लगता है घर में कोई जादू टोना आ गया। पहली सुहाग रात में ही रोना आ गया। घूंघट उठाया सेज पे जैसे तपाक से, घूंघट उठाया सेज पे जैसे तपाक से। पत्नी ने कहा दूर हट कोरोना आ गया। पत्नी ने कहा दूर हट कोरोना आ गया। और चार पंक्तियां उनके लिए जिनकी ससुराल मोहल्ले में है, उनके आनंद की पराकाष्ठा का आनंद लीजिए। 22 मार्च के निर्णय का हम करते हैं स्वागत सत्कार, अगर जरूरी हो दोबारा लागू इसे करे सरकार। और उन दामादों की चांदी है जिनकी ससुराल मोहल्ले में, घरवाली के संग साली भी जनता कर्फ्यू की हकदार। घरवाली के संग साली भी जनता कर्फ्यू की हकदार। और चार पंक्तियां उनके लिए, साबुन सैनिटाइजर तो बेचारे वो दे रहे हैं, लेकिन क्वारंटाइन वो किसी और के साथ हो गई, देखिएगा। पाड़े से मिली आंख तो पड़ाइन हो गई, सर्दी जुकाम के लिए अजवाइन हो गई। सैनिटाइजर मास्क मुझसे मांग मांग के, सैनिटाइजर मास्क मुझसे मांग मांग के, वो साथ और किसी के क्वारंटाइन हो गई, वो साथ किसी और के क्वारंटाइन हो गई। और चार पंक्तियाँ देखिएगा। अभी चिन्मयानंद जी की जमानत हुई, लेकिन उनका मालिश वाला कह रहा है, साहब लॉकडाउन खुलने के बाद महंगाई का अंदाजा देखिए कैसे वो लगा रहा है। स्वामी जी की हुई जमानत, ये कैसा है खेल हुआ। स्वामी जी की हुई जमानत, ये कैसा है खेल हुआ। ये मुद्दा भी ऐसे उलझा जैसे कि राफेल हुआ। ओ कलुआ मालिश वाला चिंतित कहता है चौराहे पर, 24 घंटे हुए नहीं के फिर से महंगा तेल हुआ। 24 घंटे हुए नहीं के
फिर से महंगा तेल हुआ। धन्यवाद सर, सादर प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।